तो हमने पिछले लेक्चर में देखा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन ग्राफ में क्या बताता है। तो इसमें हमने ये देखा कि एक फंक्शन हमने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है और उसका ग्राफ मान लिए कुछ ऐसा है। तो इसमें ग्राफ में एक पॉइंट लिया, उसे कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना और एक्स में डेल्टा एक्स मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो एक्स में जैसे ही डेल्टा एक्स बढ़ा तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, ये पॉइंट एक्स में कितना गया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। वाई में जो ग्रोथ हुई वाई ये था वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट। मैंने माना कि एक्स के बढ़ने से ये वाई भी तो बढ़ रहा है, तो वाई में ग्रोथ डेल्टा वाई हो गई। तो जो फिर हमने ये माना कि दोनों पॉइंट को मिलाने से कॉर्ड बना, तो कॉर्ड का हॉरिजेंटल से एंगल हमने मान लिया ये थीटा बना रहा है। तो हमने कहा कि ये छोटा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में ये दो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, इस पूरी दूरी में इतना घटा दिए, तो वाई वाई प्लस डेल्टा वाई में इतना वाई हटा दिए और इस पूरे पूरी दूरी में इतना हटा दिए, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स में इतना हटा दिए एक्स, तो बेस हो गया। और वाई क्या था एफ एक्स, तो वाई की जगह एफ एक्स, तो हमने बोला एक्स जब रखे तो वाई आया, तो एक्स में थोड़ा बढ़ा दिए, एक्स में थोड़ा बढ़ा दिए डेल्टा एक्स, तो वाई में भी थोड़ा बढ़ गया डेल्टा वाई। एक्स में डेल्टा एक्स बढ़ा दिए तो वाई में डेल्टा वाई बढ़ गया। तो वाई प्लस डेल्टा वाई को हम एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं और वाई की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं। और जैसे तो ये डेल्टा वाई वाई डेल्टा एक्स के बराबर आ गया, कैसे आया, ये वाई वाई कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया। तो टैन थीटा जो है इस क्वाड का जो एंगल बन रहा है उस एंगल के द्वारा, क्वाड जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, उस एंगल का टैन की वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आया है। अगर एक्स का इंक्रीमेंट हम कम करते जाएंगे तो ये वाई का गैप, वाई की लेंथ भी कम होती जाएगी, तो ये y जो इतना दूरी पे है ये कम होता जाएगा, और x का जो गैप है इंक्रीमेंट हम लगभग ज़ीरो कर दें तो ये y भी लगभग ज़ीरो हो जाएगा, यानी p और q, q इधर आता जाएगा। जब हम x कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो ये y भी कम होता जाएगा, y होता जाएगा, x टेंस टू ज़ीरो हो गया, और y जब कम होगा तो q भी इधर सरकता आएगा, सरकता आएगा, q p के पास आ जाएगा। जैसे ही x टेंडिंग टू ज़ीरो करेंगे देन कॉर्ड पी क्यू बिकम टेंजेंट टू द कर्व एंड ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे ही x टेंडिंग टू ज़ीरो करेंगे तो जो इस ये बिग चेंज है x में, तो ये जो चेंज है x का ये बहुत कम हो जाएगा, तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये पी और क्यू जो अलग अलग हैं पॉइंट, पी और क्यू जो दूर दूर हैं, इसलिए क्वाड ये भी इतना बड़ा है, पी और क्यू पास आ जाएंगे, आने लगेंगे तो क्वाड छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे जब ये पी क्यू कौन साइड कर जाएंगे
जैसे ही एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, एक्स जीरो होने वाला होगा, पी और क्यू कौन साइड हो जाएंगे, तो ये कॉर्ड इस कर्व पे अब टेंजेंट बन जाएगा। जैसे ही डेल्टा एक्स जो एक्स में चेंज है वो जीरो की तरफ जाने लगेगा, तो पी और क्यू कौन साइड हो जाएंगे, और कॉर्ड पी क्यू फिर इस कर्व पे एक टेंजेंट हो जाएगा। और उस टेंजेंट के द्वारा जैसे ये कर्व है, अब ये कर्व पे पी और क्यू एक जगह पर मिल गए हैं, तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगा। और टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, उस एंगल को स्लोप, उस एंगल के टेन की वैल्यू, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्ट, यहाँ पे अब क्वाड, अब क्वाड ना रह जाएगा, अब टेंजेंट बन जाएगा। अब क्वाड ना बोलें, क्वाड हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। उस एंगल थीटा का जब टेन ले लेंगे, इस एंगल थीटा का जब टेन ले लेंगे, ये टेन की वैल्यू ही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, उस एंगल के टेन की वैल्यू को ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहते हैं। ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, ये थीटा, इस एंगल के टेन की वैल्यू ले लें, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो ये हमने देखा, ये इतना आया, और ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, यानी वाई का चेंज है एक्स के रिस्पेक्ट में, या ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, और ये तो टेंजेंट का स्लोप बता रहा है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, अच्छा वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो ये जो टेंजेंट था उस एंगल के टेन की वैल्यू है, और टेंजेंट के एंगल की वैल्यू का टेन, टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, अब कॉर्ड ना बोलेंगे क्योंकि पी और क्यू कौन साइड हो गए, तो वो टेंजेंट बन गया है, क्योंकि वो एक पॉइंट पे, अब दो दो पॉइंट पे नहीं खींच रही है, एक पॉइंट पे खींच रहा है, कर्व के एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, तो टेंजेंट हो गया। टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, उस एंगल के टेन की वैल्यू को उस टेंजेंट का स्लोप बोलते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पर मैंने एक टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, इस एंगल के टेन की वैल्यू ले ले, यही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया, यानी किसी भी फंक्शन का, मान लो वाई एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप देता है। मतलब वाई अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है, तो उस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वो फंक्शन एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन अगर निकालें, तो फंक्शन के ग्राफ में खींचे गए, उस फंक्शन के ग्राफ में खींचे गए टेंजेंट का स्लोप देता है। यानी किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के ग्राफ में खींचे गए टेंजेंट का स्लोप बताएगा। और ये फार्मूला बन गया डिफरेंशिएशन का, जब
जब डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाए, डेल्टा एक्स अप्रोच करने लगे ज़ीरो को, यानी ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले से किसी भी फंक्शन का, एक फंक्शन अगर एफ एक्स है और अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला बन गया, डिफरेंशिएशन निकालेगा किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला है, और इसी को बोलते हैं, इस फॉर्मूले से निकालने को बोलते, इस फॉर्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो किसी भी फंक्शन एफ एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से ही उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालता है, और इस फॉर्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, और इससे जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा जिसको मैं डी वाई बाई डी एक्स बोलूँगा, वो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचें और ग्राफ में टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा है तो थीटा का अगर टेन ले लेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप कहलाता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है। तो किसी भी फंक्शन वाई का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उस ग्राफ में जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस टेंजेंट का जो स्लोप आता है उस स्लोप के बराबर होता है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, किसी उस फंक्शन का अगर ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ में टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस स्लोप के बराबर होता है। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ग्राफ में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी कि उस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो, और ग्राफ में अगर हम टेंजेंट खींचें तो टेंजेंट का अगर स्लोप निकालें, स्लोप क्या है, वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं थीटा, उस एंगल के टेन की वैल्यू को ही स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहेंगे। तो डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बराबर होगी। तो ग्राफ में डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि उस ग्राफ में जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू के बराबर होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस फंक्शन के ग्राफ में खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस ग्राफ में खींचे गए, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस ग्राफ में खींचे गए टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है।